साहिवाल से खबर शामिल करते हैं जहां पर साहिवाल ने सरगोदा में नज़ीर उर्फ लाजर मसीह पर मुबैना तकफीर मजहब के इल्ज़ाम के बिना पर होने वाले तशद की मजम्मत की और मुतालबा किया के तकफी मजहब के वाक्या और मुकदमा में एक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाए अकलीति क्यादत डिस्ट्रिक्टवाल के मम्मरान ने निजी होटल में रजाकाराना नेटवर्क इजलास का अहतमाम किया जिसमे पंजाब के मसीियों की आबादियों पर तसलसल से होने वाले श का इजहार किया गया जिला इशकनास खोकर ने इजलास की, की मौका मिला उनसे बेषतर लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए मजद इन मुकदमा में पंजाब में बेशर मसीहों की बस्तियां चला दी गयी सानहा जड़ावाला को एक साल बीत गया मगर ताल ता वाकल हकीकत सामने नहीं आई इसलिए ये फॉर्म हकूमत से जुडिशल क्वायरी की मांग करता है जो तमाम केसेस की इंक्वायरी करे और अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करे सरदार निदान सिंह ने, ने निशानदही की कि इन वाकियात की रोकथाम में पुलिस की कारकरदगी पर बहुत से सवाल या नशान हैं पुलिस की मौजूदगी में लोग खिलाफ कानून शहरीों पर तशद करेंगे तो अमन अमान बरकरार कैसे रहेगा मजाहिद कलोनी सरगोदा वाक़ा की वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि पुलिस की मौजूदगी में मुजाहरीन नज़ीर उफिला मसी पर तशद कर रहे हैं इसका कारखाना जला रहे हैं बाईस की गाड़ी पर पथराव कर रहे हैं मगर दहशत गर्दी की दफा नजीर और पर लगा दी जाती है। यासर तालिब ने बताया तेईस में दो सौ उन्नाजमान गैर मुस्लिम है अहम बात यह है की हमलों और तशद का निशाना भी मुकदम के लोग हुए हैं और तसलसल से खसूस मसीहों की बस्तियों को निशाना बनाया गया है मुकदमा की बढ़ती हुई तादाद और मुकदमत की में जुडिशल इंक्वायरी के तकाजा करते हैं इजलास में जिला भर की सियासी समाजी क्या ने शिरकत की और वाक की भरपूर मजम्मत करते हुए हकुमत से कमीशन की मांग की अजम का अहद किया हम ये मुताबा तमाम की सियासी जमातों के सामने भी पेश करेंगे